राधे राधे जी। आई होप आप सब हेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा 2 दिन का हरिद्वार और ऋषिकेश और लच्छीवाला का ट्रिप। और मतलब ये व्लॉग नहीं है, छोटी छोटी मैंने वीडियोस बनाई थी उसको मर्ज करके मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना दी यूट्यूब के लिए। और हम लोग हमेशा फ्राइडे नाइट को जाते हैं, मतलब मैं 3 साल से इन लोगों के साथ बस में जा रही हूँ, जो हैप्पी भैया बस लेके जाते हैं, हैप्पी भैया और राजू अंकल बस लेके जाते हैं। और अब 2 को एक और बस जाएगी, उसका आपको साइड पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और इस बार हम सैटरडे मॉर्निंग गए थे बिकॉज हमें दोपहर को 12 बजे रूम मिलना था, नहीं तो हम हमेशा फ्राइडे नाइट को जाते, चाहे वृंदावन जाएँ चाहे जहाँ मर्जी जाएँ। सो सैटरडे को 4 बजे निकलना था सुबह, बट 5 बज गई थी बस चलते चलते, हम 4 बजे पहुँच गए थे। बहुत मज़ा आता है, आप चलना चाहो डेफिनेटली चल सकते हो। बाकी मेरी 2-3 वीडियोस और हैं, आप उसको भी देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कहाँ जाते हैं, कितना हमारा ऊपर का खर्चा होता है वगैरह, आपको आइडिया मिल जाएगा। और इस बार 2 बस गई थी, पानीपत में 3 सिंगर हैं, वो बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उनका वहाँ पर कीर्तन था, तो इसलिए उनकी भी एक बस हमारी भी एक बस, तो सारा कुछ हैप्पी भैया ने अरेंज किया था, बहुत अच्छे से हुआ सारा, हमें बहुत मज़ा आया। अब आप देखो आगे। देखते हम 10:30 बजे हर की पौड़ी के लिए निकले गए, मतलब हरिद्वार पहुँचते ही हम सबसे पहले हर की पौड़ी चले गए। और 2-2.5 घंटे हमें यहाँ लग गए, लाइक बस तक आने में, बस से जाने में, और लोगों की वेट करो तो। और ये साइड पे बहुत सारी आपको कैनियाँ मिल जाएंगी, इतना अच्छा व्यू था, धूप तो बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक पानी गंगा मैया में ठंड लग गई थी 1/2 घंटे के बाद ही। इन्जॉय तो सबने बहुत किया। और आपको रास्ते में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आप शिकंजी पी सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो, लाइक बहुत कुछ मिल जाता है। हमने 3 बजे के आसपास लंच किया, फिर 6 बजे तक रेस्ट किया, और 6 बजे हम निकल गए कीर्तन के लिए, जो जिनका कीर्तन था अरुणदास महाराज जी हैं, अगर आपको पानीपत में उनका नाम पता हो तो, नहीं तो वीडियो में दिख जाएगा, उनके आश्रम में कीर्तन था। उन तीनों सिंगर कहते हैं या जो भी कहते हैं गायक का, जिनका मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और वहीं पे रात को डिनर भी था। हेलो,
देखो कभी हमारे साथ आना तो आओ, इसके साथ बिल्कुल मत आना जो वीडियो बना रही है। यहाँ पर भी एक चांद बैठा है, तेरे में तो दाग है पर ये बेदाग बैठा है। ए चांद तू निकल ना निकल, इस बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे सतगुरुदेव का मुखड़ा किसी चांद से कम नहीं, चांद से कम नहीं। और गंगा मैया से भी यही प्रार्थना, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे। मैंने कहा है आज मौका है, इससे बड़ा मौका कोई ना होगा। गंगा मैया की रहर तीन प्रेम के सागर झोली में ला दो सतगुरु देव के आगे। सुनो जी राधा और इधर सखी भी कह रही है कि मैंने भी काजल लगाई है, उनकी छप से दिखो मैं तो ले आ रही हूं अपनी छप बनाई है। दुनिया तो मैं नचया बतेरा, 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 फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, की करड़ा संसार अज मैनू बोल गंगा मैया की जय। राती वाले शाम के ना कोई शाम को नहीं एक इसको दिखाओ, एक ये देखो 5 बजे की सुबह उठी हुई है, 5 बजे नहीं 3:30 साढ़े तीन उठे थे भाई साहब, गलती हो गई, सोई नहीं है, सोई मैं तो सोया नहीं, तो मुझे नींद ही नहीं आई है, आपने तो कहा था सोई नहीं आई, मैं भी नहीं सोया। व्लॉग में डालेंगे तेरी बकवास की सारी, कोई बात नहीं आप डाल दीजिए, वीडियो है। कीर्तन के बाद हमने वहीं पे डिनर किया और 11:30 बज गई थी, बिकॉज बहुत सारे लोग थे डिनर वाले डिनर करने के लिए। तो 11:30 बजे जैसे हम फ्री हुए तो हम पैदल हरकी पौड़ी आ गए, 1 किलोमीटर दूर थी वहाँ से। तो फिर हमारा यहाँ प्लान था थोड़ी देर बैठने का, पर हम 15 मिनट ही बैठे बिकॉज नींद भी आ रही थी और यहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे का बताती हूँ, नेक्स्ट डे हमने जाना था लच्छी वाला ब्रेकफास्ट करके। तो फिर 2 बसें थी, ब्रेकफास्ट करने में टाइम भी लगता है, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हुआ, 10:30 बज गई और हम अपने ढोल वाले साथ लेके गए थे, तो बहुत मज़ा आया, डांस भी किया सबने। और लच्छी वाला अगर आप कोई जाओ तो बिल्कुल नहीं जाना, लाइक क्रॉस कर दो, नहीं जाना लच्छी वाला, पैसे वेस्ट है, 100 रुपये पर पर्सन की एंट्री थी और बहुत बेकार है वहाँ, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना।
ये जो राइट साइड वाली धर्मशाला है इसमें 5 या 4 रूम और लिए थे, बिकॉज जिस धर्मशाला में अभी हम हैं उसमें कम पड़ गए थे। यार यहाँ आएंगे हम, बेहतर मानी है ना ये सारा। लच्छीवाल और ऋषिकेश भैया पहली बार बस लेके गए थे तो उन्होंने सुना था लच्छीवाल बहुत अच्छी जगह है, पर पहले ही अच्छी थी, अब ये बेकार हो चुकी है। ये जो पानी है रुका हुआ पानी है, वॉशरूम है नहीं, चेंज करने की जगह बेकार है कहीं कहीं तो, और यहाँ पे पानी में बहुत स्मेल है, तो कभी ना जाना। मैं उसी टाइम बाप ने लिखता डावा मेरे को मांग। नोनो वीडियो बन रही है आपकी, लियो आउट ना दो पूछो, ये ऐसे ऐसे बूमरैंग बनवाइयो, आ दे बूमरैंग। ये तो खोला खोला देखा पहाड़ वाला और वहां तो दो के लहीरे क्या बात है, क्या जा रहे हो ये हम आ गए ऋषिकेश। हम ज़्यादा जगह नहीं घूमे, बहुत लोग थे जिन्होंने 100 रुपये में ऑटो कर लिया था, 100 रुपये पर पर्सन, और 4-5 मंदिर उन्हें घुमाए थे, उन्हें बहुत मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया, पर हम यम गंगा मैया के किनारे ही बैठे थे बस, जानकी झूले पे जाके आगे गंगा मैया थी वहीं पे बैठे थे हम। और यहाँ पे बोटिंग का प्राइस कुछ ऐसा है, राफ्टिंग का 3:30 बजे राफ्टिंग बंद हो जाती है, 7 बजे से स्टार्ट होती है, अगर आप सुबह जल्दी आ जाओ तो फिर 600 रुपये है, उसके बाद वाले बैच में जाओ तो पैसे ऐसे प्राइस बढ़ता रहता है, और 3:30 बजे लास्ट होती है दोपहर के। बस यहाँ के बाद हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाया, उसके बाद हम अपनी बस की तरफ चले गए। फिर से हमें बहुत देर वेट करनी पड़ी लोगों की, क्योंकि दोनों बस को साथ चलाना था आई थिंक, तो इसलिए हमें बहुत वेट करनी पड़ी। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं डिनर, और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। हमें बहुत मज़ा आया, नेक्स्ट ट्रिप पर आप चलना चाहो तो डिटेल्स वीडियो की स्टार्टिंग में थी ही, आप हैप्पी भैया को फ़ोन कर सकते हो, या मुझे आप जानते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, वैसे हैप्पी भैया से ही पूछ लेना क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है तो वो आपको सही गाइड कर देंगे, नहीं तो बाकी मैं सही गलत सारा वीडियो में बता देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।